हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम जो नर्सरी से पेड़ लाए थे उसको हम लगाएंगे अपने गमलों में। और देखिए, यहाँ पे हमने गमलों के नीचे थोड़े से सूखे पत्ते डाल दिए हैं। वो अपना सड़कर वो खाद बन जाएंगे और हमारे गमले भी हल्के रहेंगे, उसमें मिट्टी भी कम लगेगी। और देखिए, ये टेरेस के गमले हैं और इस पे देखिए, यहाँ पे हमने मिट्टी पहले से तैयार की रखी हुई है वो है, और यहाँ पे मैंने नई मिट्टी बनाई हूँ। तो यहाँ पे मैं ली हूँ ये खाद है, गोबर की खाद। इसको मैं तोड़ के महीन कर लूँगी। और ये देखिए, यहाँ पे सैंड रखा हुआ है, जो बालू है, कुछ परसेंट बालू है और कुछ मिट्टी है, और यहाँ पे राख है, उसको भी मिलाऊँगी और हल्दी डालूँगी उसमें। और ये कितने परसेंट है ये मुझे नहीं पता, मैं ऐसे अपने हिसाब से ली हूँ, थोड़ा सा सबको देखकर ट्राई की हूँ कि कैसे बनेगा ये मिट्टी। और देखिए, ये बनाई हूँ और इसको गमले में डालूँगी। और ये देखिए, दोनों गमले मेरे रेडी हैं, इसमें पत्ते डाल दिए थे पहले से, अब इसमें मिट्टी डालेंगे। ये मैंने मिट्टी डाल दी है और इसमें भी मिट्टी डाल दूँगी। देखिए, ये इसमें भी मिट्टी डाल दी हूँ। और वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको मेरी वीडियो और कैसी लगी मेरी फ्लावर्स और उसके कलर। अभी मैं इसके पॉलीबैग को निकाल दूंगी। और यहाँ ये बहुत सी बलुई मिट्टी थी, जिसे रखता नहीं इसे बालू में लगा देते हैं, वैसे था। जैसे मैंने पॉलीबैग से निकाला ना, वैसे ये फूट भी गया, पर चल गया। मैंने इसको लगा दिया पर ये चल गया मेरा। मुझे लगा था ये ख़राब हो जाएगा पर ये लग गया। बहुत ही कायदे से, बहुत ही अच्छे से निकाले। ये मैंने होल कर ली थी पहले इसमें, देखिए आप। अब इसको लगाऊंगी ना, नीचे नीचे मिट्टी निकाल के फिर इसको लगाऊंगी। देखिए देखिए कैसे निकल रहा है ये। बहुत ही गंदी मिट्टी में लगाए थे ये लोग। किसी किसी नर्सरी की मिट्टी अच्छी होती है, और ये देखिए बहुत बलुई मिट्टी थी, अच्छे से नहीं निकली ये, पर किसी तरह मैंने लगा दिया इसको। आप बताएं आपको कैसा लगा मेरी वीडियो। और इसमें जो सड़ी सड़ी पत्तियां थी ना, वो भी निकाल दी मैंने कि मेरा पेड़ ख़राब ना हो। और इसमें जो कम मिट्टी लगी तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी और डाल दी। ये गजानिया का येलो कलर का फ्लावर है, आप बताएं इसका कलर कैसा लगा आपको। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए, इसको भी मैंने फाड़ दिया, इसको निकाला नहीं, तब भी वो ऐसे ही टूट रही थी। ये भी, ये देखो, इसको फाड़ के निकाला ना, तब भी ये टूट रही थी। इसको भी बहुत कायदे से लगाना पड़ा। ये कलर देखिए इसका, कितना प्यारा पिंक जैसा कलर है, पर इसमें ना थोड़ा डार्क आया है, वैसे ये लाइट है थोड़ा सा। इसको अच्छे से लगाया मैंने, हाँ। और इसमें मिट्टी थोड़ा सा मैंने ना इसको दबा दबा के लगाया, देखो ये दोनों लग गए ना। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मुझसे ना तो पेड़ सड़ जाते हैं, ज़्यादा डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा कम डालूँगी, तब भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ गया। देखिए मेरे सुंदर से गजानिया के पेड़, और इधर वर्बीना के हैं, ये पिंक पेड़ है, पिंक कलर का फ्लावर है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।